नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल की क्लास देखने वाले हैं। जेएसएससी सीजीएल में कंप्यूटर एक चैप्टर है। कंप्यूटर में एक टॉपिक आप सभी को इंटरनेट पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार इंटरनेट पढ़ना है। आज की इस सेशन में हम इंटरनेट का पूरा चैप्टर देखने वाले हैं। इंटरनेट के पहले, आज के पहले इंटरनेट का हमने दो क्लास किया है, उन सभी क्लास का भी समरी देते हुए पूरा क्लास एक साथ, ये पूरा चैप्टर एक साथ कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। इंटरनेट क्या है। तो देखिए, इंटरनेट जो है इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त नाम है इंटरनेट। इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त नाम इंटरनेट है। यह दुनिया भर में फैले हुए छोटे बड़े सभी कंप्यूटरों का एक जाल है, जहां पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सूचना ट्रांसफर किया जाता है, डाटा ट्रांसफर किया जाता है। अब हम बात करें यदि इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले प्रोफेसर जी सी लिंकलाइडर के द्वारा 1962 ईस्वी में इंटरनेट का स्थापना किया था। इंटरनेट को स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? प्रोफेसर जी सी लिंकलाइडर, जो इन्होंने 1962 ईस्वी में किया था, इसीलिए इनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इंटरनेट का जनक कौन हुए? इंटरनेट का जनक जे सी लिंकलाइडर हुए, जो 1962 ईस्वी में इंटरनेट का स्थापना किए थे। इसके बाद में इंटरनेट का प्रारंभ 1969 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। अमेरिका का रक्षा विभाग, जो उसका सेना का विभाग था, रक्षा विभाग, इसके द्वारा अर्पानेट का शुरुआत किया गया था। अर्पानेट की शुरुआत किया गया था कब? 1969 में अमेरिका की रक्षा विभाग के द्वारा अर्पानेट की शुरुआत किया गया था। यह दुनिया का पहला नेटवर्क था। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन था? अर्पानेट। अर्पानेट कहां से प्रारंभ हुआ? अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा। कब? 1969 में। इसके बाद 1989 में यही इंटरनेट आम जनता के लिए खोला गया या आम जनता के लिए दे दिया गया। तो आम जनता के लिए इंटरनेट का उपयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो आम जनता के लिए 1989 में इंटरनेट आम जनता के लिए प्रयोग में आया। इसके बाद 1989 में ही HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका विकास हुआ। HTML का विकास हुआ, और विकास करने वाले थे टीम वर्नर्स ली के द्वारा 1989 में HTML का विकास किया गया। इन्होंने ही
टिम बर्नर्स-ली नहीं, WWW का प्रस्ताव दिया। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी प्रस्ताव टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में दिया। इसलिए टिम बर्नर्स-ली को WWW का जनक कहा जाता है। WWW का जनक टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा दो चीजों का विकास किया गया। पहला विकास HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का 1989 में इसका विकास हुआ। 1989 में ही WWW का प्रस्ताव टिम बर्नर्स-ली ने दिया, इसलिए WWW का जनक टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है। यदि हम बात करें WWW की, तो इसका पहला आम प्रयोग, इसका सभी लोग जनता के द्वारा इसका प्रयोग 6 अगस्त 1991 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। 6 अगस्त 1991 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। यदि हम भारत में इंटरनेट की बात करें, तो भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 ईस्वी को शुरुआत किया गया था और ये BSNL के द्वारा शुरुआत हुआ था। भारत में 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत हुआ। शुरुआत करने वाला सेवा प्रदाता कंपनी था BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल क्या है। ये देखिए, दो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को इससे डाटा लेना है या इसको इससे डाटा लेना है। तब जब डाटा लेन देन की प्रक्रिया होगी तो दोनों को एक भाषा बोलने यानी दोनों को एक भाषा समझ में आना चाहिए। मान लीजिए एक कोई राम है, कंप्यूटर छोड़िए, ये श्याम है। इन दोनों के बीच का यदि भाषा एक रहेगा तभी तो बातचीत संभव है। जो ये बोलेगा समझ पाएगा और समझ पाएगा तो उसका ये उत्तर देगा। यदि कहेगा कि हमें पैसे की जरूरत है, 500 रुपए दो, ये बोल रहा है, यदि ये समझ नहीं पाएगा तो देगा क्या? नहीं दे पाएगा। यदि ये समझ गया तब दे देगा। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी जब डाटा ट्रांसफर होता है तो वहां पर भी एक ही प्रकार का एक समान नियम को फॉलो किया जाता है। एक ही समान नियम, इसके पास भी वही समान नियम और वही नियम इसके पास भी होना चाहिए। यदि एक समान नियम, एक ही स्टैंडर्ड का प्रयोग होता है तभी वो डाटा का ट्रांसफर कर पाएगा। इसी को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। जो एक समान नियम है, एक समान प्रतिमान है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इंटरनेट के द्वारा कौन कौन सा, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा कौन कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग होता है इसके बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है वह है TCP/IP। ये सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। TCP/IP। इसका पूरा नाम क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर दो प्रोटोकॉल है। टीसीपी एक प्रोटोकॉल हुआ, आईपी दूसरा प्रोटोकॉल हुआ, लेकिन इन दोनों का प्रयोग
साथ साथ होता है, दोनों का प्रयोग साथ साथ होता है, एक साथ होता है, एक साथ होता है, ये दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग पर आधारित होता है, पैकेट स्विचिंग आधारित होता है। अब पैकेट स्विचिंग क्या है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे एक कंप्यूटर है यहां पर और एक दूसरा कंप्यूटर यहां पर है, इसको एक कोई सूचना इसके पास भेजना है या इससे प्राप्त करने के लिए आग्रह करना है, तो जो सूचना प्राप्त करने के लिए आग्रह करना है या इसके पास भेजना है उसको ये क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। एक सूचना को छोटे 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 टुकड़ों में पैकेट में बांट देता है और इसको यहां तक भेजा जाता है। अब यहां पर क्या किया जाता है, ये जो छोटा छोटा टुकड़ा था फिर से एक बन जाता है और एक बन करके इसके पास पहुंचता है, इसी को पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पैकेट स्विचिंग क्या कहा जाता है। दूसरा प्रोटोकॉल की यदि हम बात करें तो दूसरा प्रोटोकॉल है SMTP, SMTP इसका पूरा नाम होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए मेल सीधा सा, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो मेल में प्रयुक्त होता है। यदि आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं, यदि आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं या ईमेल प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्रोटोकॉल प्राप्त ये उपयोग में होता है उसका नाम है SMTP, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ईमेल में ईमेल के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है, ईमेल, ईमेल समझ में आ गया। अगला प्रोटोकॉल है तीसरा प्रोटोकॉल HTTP, HTTP इसका पूरा नाम होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह क्या करता है, इसका काम क्या है, जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, इन हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में मदद करता है। ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरा जगह भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल का उपयोग होता है वह HTTP होता है, HTTP होता है। HTTP कहां पर प्रयोग अधिकांशतः होता है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए। यदि हम हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज रहे हैं तो वहां पर हमारा उपयोग होगा HTTP। उसके बाद चौथा जो प्रोटोकॉल है वह है FTP। FTP क्या हुआ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब क्या हुआ, एक नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सर्वर के बीच में जो फाइल स्थानांतरित करने के लिए कहा जाता है, जिसमें आपका डाटा भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, फिगर भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि आपको ये सब ट्रांसफर करना है, डाटा, टेक्स्ट, फिगर, ऑडियो, वीडियो, तो वहां पर जो प्रोटोकॉल उपयोग होगा वह होगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी भी तरह का फाइल हो, चाहे वह डाटा हो, टेक्स्ट हो, फिगर हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ऑडियो वीडियो भेजने के लिए FTP। फिर से एक बार इसको हम लोग
रिवीजन कर लेते हैं स्पीड में। टीसीपी आईपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल है जो साथ साथ में एक साथ में प्रयोग में आता है। ये पैकेट स्विचिंग पर आधारित काम होता है। एसएमटीपी दूसरा प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पर सीधा सा है, मेल पर आधारित होता है। ईमेल यानी जो ईमेल में प्रयुक्त होता है, ईमेल में प्रयुक्त होता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहां पर आपको हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भेजना हो उसके लिए एचटीटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। यदि आपको ऑडियो वीडियो टेक्स्ट डाटा फिगर कुछ भी भेजना हो इसके लिए एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे www की। www पर प्रयुक्त भाषाएं कौन कौन सी है इसके बारे में बात करेंगे। पहला जो लैंग्वेज है HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि नया साल का ऑफर हमारा प्रारंभ हो चुका है, न्यू ईयर का ऑफर प्रारंभ हो चुका है। न्यू ईयर के ऑफर में अभी आपको पूरा कोर्स मात्र 850 रुपए में मिल रहा है 2 जनवरी तक पूरा कोर्स। जैसेसी सीजीएल का पूरा कोर्स जिसमें हमारा 10 प्रैक्टिस सेट एड होगा, 10 प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। 10 प्रैक्टिस सेट रहेगा, लाइव क्लास रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, नोट्स पीडीएफ रहेगा, प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लास, ये सारा कुछ रहेगा। और ये 850 रुपए में पूरा कोर्स 2 जनवरी तक ऑफर में आपको मिलेगा। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारा ऑफिस का नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के और इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अथवा हमारा जो ऐप है एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड करिए। ये हमारा लोगो है एसबी एग्जाम ऐप का, प्ले स्टोर से एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्स को वहां से भी परचेज कर सकते हैं। आपका पूरा सिलेबस का एक भी बिंदु छूटने वाला नहीं है, पूरा सिलेबस हम यहां से आपका कवर करेंगे। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे HTML की। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज के द्वारा वेब पेज को तैयार किया जाता है। यदि आपसे प्रश्न कर दिया जाए, कि वेब पेज को किस भाषा में तैयार किया जाता है, तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाला सॉफ्टवेयर, इससे प्रयुक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को तैयार करने में किया जाता है। HTML में हाइपर टेक्स्ट तथा हाइपर लिंक का प्रयोग होगा। दो चीज, हाइपर टेक्स्ट का और हाइपर लिंक का, इन दोनों का प्रयोग होता है, हाइपर टेक्स्ट का भी और हाइपर लिंक का। HTML क्या करता है कि बहुत सारे हाइपर लिंक को एक साथ कनेक्ट करता है। आपको हम ऐसे कह सकते हैं, जब आप लोग कोई वेब पेज खोलते हैं, होम पेज पर आप जाएंगे, कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, तो जो पहला पेज होता है वो होम पेज होता है। पहला पेज होम पेज में बहुत सारा आइकन होता है। किसी भी आइकन पर जब आप कर्सर ले जाते होंगे तो यहां पर हाथ जैसा चित्र बन जाता है। वो जो हाथ जैसा चित्र बन रहा है वो लिंक है। यदि उस पर टच करेंगे तो एक दूसरा वेब पेज खुलेगा। तो ये क्या हुआ? हाइपर लिंक हुआ। तो हाइपर लिंक से कनेक्टेड HTML क्या करता है? हाइपर लिंक से कोई भी वेब पेज को आपस में जोड़ देता है।
क्लियर हुआ। दूसरा लैंग्वेज है XML। इसका अंग्रेजी फुल फॉर्म होगा एक्सटेंसिबल मार्कअप एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये भी एक प्रकार का वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW तैयार करने वाला लैंग्वेज है। इसके द्वारा भी देखिए दोनों में अंतर क्या हुआ, HTML में और XML में दोनों में अंतर क्या हुआ। HTML डिजाइन पर फोकस करता है और XML डाटा स्टोर करने के लिए और डाटा को ट्रांसफर करने के लिए XML लैंग्वेज का उपयोग अधिकांश होता है। लेकिन यदि वेब पेज में आपको डिजाइन बनाना है, डिजाइन के लिए HTML आपको प्रमुखता से मिलेगा। उसके बाद आता है जावा। बहुत सारे लोग जावा स्क्रिप्ट के बारे में चर्चा करते हैं, जावा लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट। देखिए इसका उपयोग या विकास सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा हुआ था। सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा जावा स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ, विकास किया गया है। इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जावा स्क्रिप्ट जिसमें वेब पेज बनाने के लिए हमको निर्देश लिखने की आवश्यकता कम पड़ता है। जो निर्देश होता है, कमांड होता है, वो कमांड हमको कम लिखना पड़ता है जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें निर्देश कम लिखना पड़ता है, कम निर्देश में ही ज़्यादा काम हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे चौथा, वो PHP। आप सभी लोग फेसबुक को जान रहे हैं, आप सभी लोग याहू को जान रहे हैं। याहू और फेसबुक जो है PHP लैंग्वेज के द्वारा बना हुआ है। फेसबुक और आहू दोनों ही पी एच पी, इसको क्या कहते हैं फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। फेसबुक और आहू इसी के द्वारा बना हुआ है। और PHP जो है एक मुफ्त सॉफ्टवेयर, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, मुफ्त सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कि WWW पर कौन कौन सा भाषा का प्रयोग होता है। सबसे पहला भाषा HTML है जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसी से वेब पेज प्रायः तैयार होता है। यहाँ पर दो तरह के चीज़ें प्रयोग होता है, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक, ये दो चीज़ें इसमें प्रयोग होता है HTML में। दूसरा लैंग्वेज हुआ XML, XML हुआ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। दोनों में अंतर क्या है, HTML जो है डिजाइन पर ज्यादा फोकस करता है और XML जो है डाटा स्टोर करने या डाटा ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग या विकास सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा किया गया था। इसमें कम निर्देश लिखने की जरूरत पड़ती है जावा स्क्रिप्ट में। उसके बाद अंतिम हम जो बताए हैं वह है PHP
PHP एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है, मुफ्त सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा PHP पे ही फेसबुक का और याहू का वेब पेज बना हुआ है। इसका पूरा नाम होगा हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब हम लोग बात करेंगे डोमेन की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डोमेन नेम सिस्टम की। डोमेन नेम सिस्टम क्या है? देखिए, जितना भी कंप्यूटर आपस में जुड़ा होता है इंटरनेट के द्वारा, सभी का एक एड्रेस होता है, जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। सभी का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। ये आईपी एड्रेस यदि हम बात करें तो अंकों में इस तरह से कुछ लिखा होता है, देखिए, जब ये अंकों में लिखा होता है तो इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है। ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसे आसान बनाने के लिए इसको वर्ड में, किसमें, शब्दों में बदल दिया जाता है। और जब शब्द में बदल करके इसे रखा जाता है तो उस सिस्टम को डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। यदि हम डोमेन नेम सिस्टम की बात करें तो डोमेन नेम की बात करें तो इसमें अंक भी होगा और अक्षर भी हो सकता है। आप दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, अंक और अक्षर। इसमें अधिकतम 64 करेक्टर का उपयोग होता है। 64 करेक्टर लंबा आप नाम रख सकते हैं। इसमें एक विशेष करेक्टर, जो विशेष करेक्टर होता है उसमें केवल हाइफन का ही प्रयोग होता है। डोमेन नेम के बारे में बता रहे हैं, डोमेन नेम में अंक भी उपयोग होगा, अक्षर भी उपयोग होगा। डोमेन नेम अधिकतम 64 करेक्टर का बन सकता है। यदि हम करेक्टर की बात करें तो केवल ये विशेष करेक्टर के अंतर्गत हाइफन का प्रयोग होता है। डोमेन नेम का जो अंतिम भाग होता है वो डॉट से जुड़ा हुआ होता है। टॉप लेवल डोमेन है वो हम आपको यहां पर थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे देखिए, हम यदि नाम रखे हैं spexam.com, देखिए यहां पर इस सूचना से क्या क्या चीज मिलता है। देखिए, ये डॉट है, डॉट के बाद कॉम है। ये कॉम जो है ये पहचान है। क्या पहचान है? कि ये किस तरह का वेबसाइट है। कॉम मतलब होता है कॉमर्शियल मतलब व्यावसायिक। जो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा है तो हम उसको कॉमर्शियल कहेंगे, .com। यदि अंत में जैसे xyz.edu लिखा हुआ रहेगा, edu इसका मतलब हुआ एजुकेशनल, मतलब ये शैक्षणिक वेबसाइट है, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई वेबसाइट है। यदि इसी तरह से यंत में ABC और इधर कुछ भी रह सकता है, वो RG ऑर्गेनाइजेशन संस्थान रह सकता है। मतलब ये कोई न कोई संस्थान है, संस्थान के बारे में। यदि GOV लिखा रहे तो इसको जानिएगा कि यह सरकारी है। जैसे कुछ भी यहां लिखा हुआ है गिरिडीह.gov.in, इसका मतलब हुआ ये सरकारी वेबसाइट है। और कहां का IN लिखा हुआ है, मतलब ये इंडिया का है। ये कहां का है? इंडिया का। IN से इंडिया का होता है। यदि ये लिखा हुआ है कुछ भी इधर रख दीजिए edu.us,
इसका मतलब क्या हुआ, ईडीयू से ये शिक्षा से जुड़ा हुआ, और यूएस मतलब क्या हुआ, ये अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ये अमेरिका का है, ठीक है। तो इसीलिए हम यदि पहचान करना चाहें कि यह किस तरह का वेबसाइट है तो डॉट के बाद की चीज़ों को हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों 30 मिनट हो गया, ज़्यादा लंबा हम क्लास नहीं लेना चाहेंगे। जाते जाते एक चीज़ फिर से हम कह दें आप लोगों को कि हमारा नया साल का जो ऑफर है प्रारंभ हो चुका है। ऑफर में जुड़ने के लिए ये दिए गए नंबर पर कॉल करिए, कॉल करके हमारे जो ये हैं कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर में मात्र 850 रुपये ही लग रहा है, मात्र 850 रुपये पूरे कोर्स का। यदि केवल आप कंप्यूटर की करना चाहेंगे तो कंप्यूटर के लिए कल तक यानी 1 जनवरी तक 300 रुपये ही लगेगा, मात्र 300 रुपये में पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।